अनंत चतुर्दशी 2023 27 या 28 सितंबर जाने सही तिथि गणपति विसर्जन मुहूर्त। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में अनंत चतुर्दशी कब है, सही तिथि, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि नियम और इस दिन किए जाने वाले गणपति विसर्जन के मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही पूजा पाठ से रिलेटेड सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए, हम समय न व्यर्थ करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पंचांग के अनुसार भद्रपद माह के में अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है और बाजू या कलाई में 14 गांठ वाला सूत्र बांधा जाता है। शास्त्रों में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है, इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस दिन गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। आइए जानते हैं कि साल 2023 में अनंत चतुर्दशी व्रत का सही तिथि, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि नियम और गणेश विसर्जन का मुहूर्त क्या है। अनंत चतुर्दशी व्रत शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में अनंत चतुर्दशी का व्रत 28 सितंबर गुरुवार को रखा जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 27 सितंबर रात्रि 10:18 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 28 सितंबर संध्याकाल 6:49 पर। अनंत चतुर्दशी पूजा मुहूर्त होगा 28 सितंबर प्रातःकाल 6:12 से संध्याकाल 6:49 तक। अनंत चतुर्दशी पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा के बाद अनंत सूत्र धारण करना चाहिए। सुबह स्नान नादि के बाद व्रत का संकल्प ले भगवान विष्णु के अनंत रूप स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजा करें। पूजा स्थल पर कलश के रूप में माता यमुना और ध्रुवा के रूप में शेष नाग जी को स्थापित करें। अनंत चतुर्दशी पूजा विधि। कलश पर कुसा से बांधे अनंत देव की स्थापना करें। अब एक कच्चे डोरे को कुमकुम और केसर या हल्दी के रंग से 14 गांठ लगाकर अनंत धागा तैयार करें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री चढ़ाकर धूप दीप जलाए और व्रत कथा पढ़े। अंत में इस अनंत सूत्र को पुरुष अपनी दाहिनी हाथ में की कलाई पर और महिलाएं अपनी बाएं हाथ की कलाई या बांध पे बांधकर धारण करें। अनंत चतुर्दशी नियम। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जी के अनंत स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूजा के बाद 14 गांठ वाले अनंत सूत्र भी धारण करना शुभ होता है। अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांधना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन चतुर्दशी कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। इस दिन ब्राह्मण और जरूरतमंद व्यक्तियों को दान कर भोजन कराए, समर्थ अनुसार दान करें। इस दिन तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी हमारी यह जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी के साथ अब अगले वीडियो में। नमस्कार।